प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसके प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में सड़क, रेल और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार भेंट में चर्चा की गई, वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से भी बात की गई। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए दिए गए 69 नेशनल हाईवे का काम पूर्व सरकार ने अधर में लटकाया रखा। भाजपा सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च तक सभी स्वीकृति NH की DPR को लेकर आउटसोर्स टेंडर पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेल सेवा विस्तार के लिए आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं, जबकि एयर सेवा के लिए प्रदेश में उड़ान योजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। इससे प्रदेश के अनेक स्थानों के लिए सस्ते दामों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बातों और वादों से अधिक काम पर ध्यान देगी और काम ही सरकार की पहचान बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा पारदर्शी सरकार देने के वचनबद्ध है और प्रदेश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका जाएगा। सरकार माफिया राज खत्म करने को कृतसंकल्प है और प्रदेश सरकार ने हर विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान एक व्यक्ति के करीबियों को लाभ देने के लिए रिटायर्ड व टायर्ड लोगों को पद दिए गए हैं, जिसकी सेवाओं को भाजपा सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया है। या हिमाचल प्रदेश में बेसिकली हमने सबसे ज्यादा फोकस कनेक्टिविटी इशू पर किया है। कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से, रेलवे कनेक्टिविटी एंड बाई एयर कनेक्टिविटी। हमने एक बात कही कि भाई हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावनाएं जितनी भी हैं वहां तक हमको पहुंचने में सबसे बड़ी कठिनाई, क्योंकि देश दुनिया का टूरिस्ट जहां वह पहुंचना चाहता वो पहुंचने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। और उस दृष्टि से मुझे एक तो धन्यवाद करना है कि हमको 69 नेशनल हाईवे मिले हैं हिमाचल प्रदेश को। वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हिमाचल के लिए आने वाले समय में। पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा जब वो बनकर के तैयार होंगे, और बनकर के तैयार होंगे तब मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी वाला ये जो बाई रोड का इशू है तो मुझे तो काफी हद तक उसमें सॉल्व होगा। लेकिन मुझे इस बात को लेकर थोड़ा, जब मेरे पास PWD महकमा मेरे पास ही है, जब मैंने पहली रिव्यू मीटिंग की तो मैंने देखा उसमें कि लगभग 1.5 वर्ष हो गया स्वीकृत हुए उन सारे प्रोजेक्ट्स को, अधिकांश प्रोजेक्ट्स को, लेकिन अभी तक DPR का प्रोसेस अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ। वजह पूछी तो सोच रहे हैं जी कर रहे हैं जी कर रहे हैं कर रहे, क्योंकि पीछे जो सरकार थी उनकी मंशा नहीं थी। मंशा इसलिए नहीं थी, उनको लगा कि चुनाव के दिनों में अगर ये DPR का प्रोसेस शुरू हो गया तो चर्चा का विषय बनेगा, चर्चा का विषय बने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में इसको जो है उन्हें दबा के रखा और काम होने नहीं दिया। लेकिन हमने पहली मीटिंग में इस बात को सुनिश्चित किया कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक जितने भी हमारी जो नेशनल हाईवेज जो हमारे स्वीकृत पड़े हैं उन सारे नेशनल हाईवेज की जो DPR के लिए, जिसके लिए पैसा सेंटर दे रहा है, DPR का खर्चा भी केंद्र कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी DPR बनाने की मंशा से साफ मतलब मना कर रहे थे पिछली गवर्नमेंट के जो हमारी पूरी पूर्व सरकार के नेता थे। तो हमने कहा कि 31 मार्च के लिए मात्र एक डेडलाइन हमने तय कर दी कि 31 मार्च तक जो है जितने भी DPR के जो आउटसोर्सिंग के जो टेंडर्स हैं वो टेंडर्स कम्प्लीट हो जाए आउटसोर्स करके, क्योंकि आउटसोर्स करने है वो अलग अलग एजेंसीज को और जो जो एजेंसी उसमें, तो उस प्रोसेस में हमने वो काम गियर अप किया है। और उसके बाद जब आउटसोर्स हो जाएगी तो उसके बाद DPR का काम शुरू हो जाएगा। DPR के बाद उसके बाद आगे जो है वो आगे चीजें बढ़ेंगी। दूसरा हमने पालमपुर के अधर में लटके रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाएं सरकार की नजर में हैं और इन पर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वत्रा मैदान में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, SP संतोष पटियाल, DC संदीप कुमार, SDM पंकज शर्मा, भाजपा नेत्री इंदु गोस्वामी, पूर्व मंत्री रविन्द्र रवि, विधायक मुल्क राज प्रेमी हिमांशु मिश्रा, विनय शर्मा सहित अनेक भाजपा नेता व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें भी हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बजट में, और जब प्रधानमंत्री जी से भी मिलना हुआ था मेरा शिष्टाचार के एक भेंट के नाते, तब भी हमने जिक्र किया था, और मुझे आज इस बात की खुशी है कि उस दिशा में भी हमको कहा गया कि हम उस दिशा में आगे, क्योंकि अब फाइनेंस बजट मतलब जो हमारा बजट जो होता है वो रेलवे बजट और ये सारा एक जगह होता है, पहले रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत होता था, तो उस दृष्टि से सारी चीजों को लेकर के हमने आग्रह किया। तीसरा, हमने बाई एयर कनेक्टिविटी का इशू उठाया और वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, उस दृष्टि से भी हमने कहा, और मुझे इस बात की खुशी है अभी चार दिन पहले हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा इसका उड़ान का सेकंड फेज का जो है वो स्वीकृत हो गया, और उसके अंतर्गत जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो पवन हंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का ही उपक्रम है, उसके अंतर्गत जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं 2500 रूपये में चंडीगढ़ से शिमला, 2500 रूपये में चंडीगढ़ से कुल्लू, और उसी तरह से यहां कांगड़ा, तो ऐसे ये रूट से उसमें कुछ किए हैं। हमने उसमें कहा कि थोड़ा जो अभी तक उन्होंने सूची जो जारी की है ये रूट्स रहेंगे, उसमें हमने थोड़ा कहा कि उसमें और भी एडिशन करने की हम गुंजाइश निकालेंगे, और उसके साथ हमने मंत्रालय के साथ और जो ये पवन हंस जो एक भारत सरकार का उपक्रम है उनके साथ हम बैठ करके हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत जल्दी में हम भी नहीं है और होने की वजह भी नहीं कोई बनती। हम काम करेंगे, ठीक प्रकार से काम करेंगे और पूरा आराम से समय लेकर के काम करेंगे। तो इतने में कहना चाहता हूं, बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबसे मिलना हो गया और आप सबसे सहयोग की भी उम्मीद है, जहां आपको ठीक लगे वहां सहयोग दीजिए, जहां आपको लगे कि कुछ तो उसमें लोकतंत्र है, उसमें चौथा स्तंभ है कि उस रूप में है, आप अपनी बात को उस तरह से रख सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं आप सबका सहयोग अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। 30 साल हो गए सर, एक ईंट नहीं लगी सर, अभी भी वो बोलते हैं कि होना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये सारे इश्यूज हमारे ध्यान में हैं और हम उसके समाधान के लिए जो जिक्र आप कर रहे हैं उस दिशा में भी हम विचार कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, और जब कुछ करने की स्थिति ऐसी बनेगी तो हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। सर, प्रदेश के ऊपर पूर्व सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा है, उसको पूरा करने के लिए कैसे सरकार काम करी, क्या इसमें कठिन है? मैं मानता हूँ उस बात को लेकर के कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि 11 करोड़ डाल रहा है, तो शोर डालना ही पड़ेगा। जब 46,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ गए हैं, अंधाधुंध फिजूल खर्ची के इनने सारे रास्ते काफी खोल कर रखे, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीजों पर तो बोलना आवश्यक होगा। हम कोशिश करें तो उसके समाधान के लिए केंद्र से हमको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि गवर्नर साहब वहां से